subscribe our channel VTV Odia and don't forget to press bell icon. आप सबको नमस्कार। दिल्ली में अब कोरोना की स्थिति काफ़ी नियंत्रण में आ चुकी है, कोरोना के केसेस काफ़ी कम हो चुके हैं और इस वक्त पूरी दिल्ली की चिंता एक ही है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जाए एक तरफ, और दूसरी तरफ अगर तीसरी लहर आती है तो उसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। आप लोग देखते भी होंगे कि रोज़ मैं कहीं ना कहीं तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए जाता हूं। कल हम लोगों ने लगभग 22 नए ऑक्सीजन प्लांट उनका उद्घाटन किया, परसों ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक्स का उद्घाटन किया। कई सारी तैयारियां तीसरी वेव को लेकर चल रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनके लिए अब ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही है क्योंकि कमाने का कोई साधन नहीं बचा है। हम भी ये समझते हैं और धीरे धीरे एक 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 एक्टिविटी को खोला जा रहा है। इस हफ्ते जो निर्णय लिए गए हैं वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि कल सुबह 5 बजे इस बार इस हफ्ते का जो लॉकडाउन है वो ख़त्म होगा। कल 5 बजे के बाद से सारी एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, एक्सेप्ट कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड हैं वो बिल्कुल अलाउड नहीं है, और कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो रिस्ट्रिक्टेड तरीके से अलाउड हैं। इसका भी डिटेल्ड ऑर्डर थोड़ी देर में आप सब लोगों को मिल जाएगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ जो जिन पे बिल्कुल मनाही है वो कौन कौन सी हैं। सारे स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, सोशल पॉलिटिकल स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट एकेडमिक कल्चरल रिलीजियस फेस्टिवल इससे रिलेटेड जितनी गैदरिंग्स हैं कोई भी गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, स्टेडियम बंद रहेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, सिनेमा थिएटर मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे, एंटरटेनमेंट पार्क्स एम्यूजमेंट पार्क्स वाटर पार्क्स बंद रहेंगे, बैंकट हॉल्स ऑडिटोरियम्स असेंबली हॉल्स बंद रहेंगे, बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशंस स्पाज जिमनेजियम योगा इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे और पब्लिक पार्क्स और गार्डन्स बंद रहेंगे। ये प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हैं, ये बिल्कुल पूरी तरह से बंद हैं। जो एक्टिविटीज़ पार्टली अलाउड हैं रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ हैं वो ये हैं, सरकारी दफ्तर जो पिछले हफ्ते स्थिति थी वही कि ग्रुप ए ऑफिसर्स 100% अटेंडेंस और बाकी सबकी 50% अटेंडेंस, लेकिन जो एसेंशियल एक्टिविटीज़ है जैसे अस्पताल हैं दूसरी पुलिस है ये वो सब 100% वो पूरी तरह से चालू रहेंगी। प्राइवेट ऑफिसेज जितने हैं वो 50% कैपेसिटी पे काम करेंगे, 9 बजे से 5 बजे तक काम करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम की। जितने मार्केट्स हैं मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं मॉल्स हैं वो अब पिछले हफ्ते ऑड इवन था, कल से पूरी तरह से सारी दुकानें खुल सकती हैं 10 बजे, लेकिन 10 बजे से 8 बजे तक शाम को। और जो रेस्टोरेंट हैं वो 50% सीटिंग कैपेसिटी पे काम करेंगे। ये एक हफ्ता हम लोग देखेंगे मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स का, एक हफ्ते में अगर केसेस बढ़ते नहीं हैं तो इसको चालू रखेंगे, लेकिन अगर हमें लगता है कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ने लग गए फिर से तो हमें इस पर फिर से रिस्ट्रिक्शन और सख्त करनी पड़ेगी। इसलिए मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि सभी मार्केट एसोसिएशन सभी दुकानदार और सबसे गुजारिश है भीड़ ना होने दें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सब दुकान वाले अपनी अपनी दुकानों के अंदर मास्क भी रखें, किसी ने मास्क नहीं पहना हो तो मास्क उसको ऑफर कर दें। हफ्ते में जो वीकली मार्केट से वो अलाउ की जा रही है, लेकिन एक जोन में एक दिन में एक ही वीकली मार्केट अलाउ की जाएगी। जो शादियां हैं वो पूरी तरह से अभी पब्लिक प्लेसेस के ऊपर शादियां नहीं हो सकती, बैंकेट हॉल में मैरिज हॉल में होटल वगैरह में अगर शादियां होनी है तो 20 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे और घर पे या कोर्ट में ही हो सकती है। फ्यूनरल लास्ट राइट्स में 20 से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति नहीं हो सकती। दिल्ली मेट्रो में 50% कैपेसिटी,
दिल्ली की बसों में 50% कैपेसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑटो ई रिक्शा वगैरह इन ये भी अलाउड है, लेकिन सबकी अपनी ऑटो और ई रिक्शा में 2 पैसेंजर्स, टैक्सीज में 2 पैसेंजर्स, फटफट सेवा में 2 पैसेंजर्स, हर एक का एक वो, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, उसका एक उसकी डिटेल्स दी गई हैं। और रिलीजियस प्लेसेस खोले जा रहे हैं पर विजिटर्स अभी फ़िलहाल अलाउड नहीं होंगे। तो ये मोटे मोटे तौर पे इस हफ्ते गतिविधियां अलाउ की जा रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से कोरोना के केसेस कम होते रहे तो मैं समझता हूं धीरे धीरे हमारी सबकी ज़िंदगी पटरी पे आ जाएगी। बहुत बड़ी त्रासदी है और हमें सबको मिलके इसका मुकाबला भी करना है और उम्मीद भी करनी है कि अब कोरोना के केसेस ना बढ़ें, भगवान करे कि तीसरी वेव ना आए। नमस्कार।